Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. YouTube पर Tag TV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए। किसी किस्म का चैलेंजिंग जमाना हो, Tag TV अपने व्यूज और न्यूज लाने में देर नहीं करता। आपका तावन भी हमें चाहिए। Tag TV को अगर आप स्पॉन्सर्स कर सकें, आप इश्तहार दे सकें, तब भी हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। भारत में 59 चाइनीज ऐप्स को ब्लॉक कर दिया गया, बैन कर दिया गया। इस वक्त भारत और चीन उस मुकाम पर खड़े हैं जहां पर दुनिया को ये डर है कि कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर ही शुरू ना हो जाए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आज की इस दुनिया में कोई भी देश, कोई भी कौम, कोई भी आइडियोलॉजी थर्ड वर्ल्ड वॉर अफोर्ड कर सकती है? इतना बड़ा डिज़ास्टर है जो सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन क्या चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी इस बात को महसूस करेगी कि भारत ने हमेशा अमन का पैगाम दिया, अमन की बात की, लेकिन चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा बैक स्टैबिंग पे ही आमादा रहती है, तैयार रहती है? गलवान वैली में जिस तरह बुजदिल और बहुत ही जाबर अंदाज के साथ हमला किया PLA ने भारतीय नौजवानों पर, 20 के करीब भारतीय नौजवान शहीद हो गए, और उसके बाद भी PLA या CCP समझने को तैयार नहीं ग्राउंड रियलिटीज़। इन सब पर बातचीत करेंगे कि भारत कितना तैयार है चीन की थ्रेट्स के हवाले से, और भारत में इस वक्त दो युद्ध लड़े जा रहे हैं। एक तो है चीन के वायरस के खिलाफ जो पूरी दुनिया में इनफैक्ट युद्ध लड़ा जा रहा है, मगर भारत में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा इस पर तैयारियां हो रही हैं कि किस तरह इसको कंट्रोल किया जाए। और दूसरा बड़ा युद्ध है कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के एक्सपेंशनिज्म का। मेरे साथ इस वक्त जयपुर राजस्थान से जुड़े हुए हैं संजय दीक्षित भाई, जो जयपुर डायलॉग्स के रूह रवा हैं। मैं स्वागत करता हूं संजय भाई का। दो युद्ध लड़ रहे हैं जी। वेलकम 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 संजय भाई। जो दो युद्ध लड़े जा रहे हैं भारत में इस वक्त, आप सही कह रहे हैं जी। हम दो दो युद्ध लड़ रहे हैं। एक हम CCP से लड़ रहे हैं और दूसरा CCP का जो एक कह सकते हैं कि इललेजिटिमेट चाइल्ड है कोरोना वायरस जी, उससे लड़ रहे हैं। तो बाप बेटे दोनों से हम युद्ध लड़ रहे हैं। तो कितने का दोनों युद्ध में, पहले थोड़ा सा ये बताइए, दोनों युद्ध में कितने सफल जा रहे हैं आप लोग? देखिए, जहां तक कोविड का सवाल है, तो कोविड में मैं ये मानता हूं कि जिस तरह से प्रेडिक्शंस किए जा रहे थे, आपको ध्यान हो कुछ कम्युनिस्ट भाई लोग आए और कुछ एक राम नारायण साहब थे, उन्होंने आके ये प्रेडिक्ट किया कि साहब के 2 मिलियन तक डेथ्स हो जाएंगी जुलाई में, और कोई 100-200 मिलियन लोग जो है वो अफेक्ट हो जाएंगे। अब जो उनके डेटा पॉइंट्स थे उसके हिसाब से तो वो सही हो सकते हैं, लेकिन ये भारत ने ये करके दिखा दिया कि जहां वो 20 लाख मौतों की बात कर रहे थे लोग बाग, वहां भारत ने उसको लिमिट कर दिया 4,500 तक, और जो डेथ रेट है वो दुनिया में, पूरी दुनिया में जो सबसे कम डेथ रेट्स हैं उनमें से है। और हमें ये याद रखना पड़ेगा कि भारत की आबादी 135 करोड़ है, थोड़ी बहुत नहीं है। 135 करोड़ की आबादी में 4,500 डेथ्स हुई हैं, जबकि आप अमेरिका का एग्जांपल ले लीजिए, अमेरिका इज एब्सोल्युटली रीलिंग, 1.5 लाख डेथ्स हो चुकी है वहां पे, जबकि उनकी आबादी तो कोई 35-1 करोड़ ही है। तो इस हिसाब से जो अमेरिका उसको डील नहीं कर पाया, जहां वर्ल्ड की सबसे एडवांस्ड मेडिकल साइंस है, जहां सारी उनकी सारी बेस्ट फैसिलिटीज है सब कुछ होने के बावजूद,
वो भारत ने उसको बहुत ही सलाहियत से उसको काबू में रखा हुआ है, और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि रिकवरी रेट बढ़ता जा रहा है। रिकवरी रेट इंडिया का, भारत का, अब 60% के आसपास पहुंच गया और लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो यदि रिकवरी रेट बढ़ता जा रहा है और डेथ रेट कम होता जा रहा है, तो आप ये मानिए कि जो कॉमन फ्लू होता है उसका भी जो डेथ रेट है वो 1 से 1.5% के, 1 से 1.5% के आसपास होता है। तो यहाँ तक अगर हम इसको लिमिट कर ले जाएंगे, अभी हम 3-3.5% पे हैं, इसको अगर धीरे धीरे रिकवरी रेट इसी तरह से बढ़ता गया और 2-1 महीने में 3 महीने में ऐसा हम उम्मीद करते हैं, ऐसा अनुमान करते हैं कि ये शायद कंट्रोल हो जाएगा। ये ऐसी चीज़ है, अभी हमारे पास वैक्सीन नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा डेफिनेट इलाज नहीं है, जानते नहीं कि भाई कोई ऐसा पक्का इलाज हो जिससे हम इसको मैनेज कर सकें। तो ऐसी सिचुएशन में मैं ये मानूंगा कि इसको भारत ने बहुत ही खूबी से मैनेज किया। तो आप बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं कि भारत ने इस युद्ध में, यानी कोरोना वायरस के, CCP वायरस के खिलाफ जो कंट्रोल करने की मेजरमेंट्स हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से डेमोंस्ट्रेट की हैं दुनिया को। और इतना बड़ा देश, 135 करोड़ लोगों का देश, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग भी पॉसिबल नहीं, उसमें अब तक तो बहुत कामयाब रहे। और ख़ास तौर पर वो जो प्रेडिक्शन थी कि जुलाई के पहले वीक तक कोई 2 मिलियन के करीब भारत में डेथ्स हो सकती हैं, वो अब तक की जो रिपोर्ट है वो कुछ 4,500 के करीब हैं। और बहुत तवक्को करते हैं कि इसको भारत तो अच्छे तरीके से कंट्रोल करेगा। ये तो बात है एक युद्ध पर, अब हम आते हैं दूसरे युद्ध पर, जो चाइना ने अननेसेसरली, मैं ये कहूँगा कि उसको प्रवोक किया, उसको इंस्टिगेट किया। और ये हमारी भी यहाँ पे दुआ है, हम सब की दुआ है कि असल युद्ध ना हो, क्योंकि उसमें हम नहीं चाहते कि दुनिया में किसी की भी तबाही हो। लेकिन क्या उसकी जो तैयारियाँ हैं, क्योंकि अब जो युद्ध है संजय भाई, वो सिर्फ और सिर्फ कोई ये एक दूसरे पर अटैक का युद्ध नहीं है, अब नरेटिव का युद्ध है, अब ये आइडियोलॉजी का युद्ध है, अब बैक स्टैबिंग जो है, दोस्ती के नाम पे बैक स्टैबिंग करना, ये भी एक युद्ध है। इन सब के लिए कितना काबू किया जाएगा, जितना के कोरोना वायरस पे काबू किया गया, उसके अगर रोशनी में देखें तो भारतीय अवाम, इस वक्त मैं भारतीय सरकार की सिर्फ बात नहीं करूँगा, अवाम की भी बात है, वो कितने तैयार नज़र आते हैं। आपको बैंस तो कर दिए चाइनीज़ ऐप्स, और क्या कुछ आपको मेजरमेंट नज़र आती है? देखिए, तैयारी जो है युद्ध की वो एक दिन में नहीं होती। और आप ये देखिए कि 2004 के बाद से जिस तरह से आपकी, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, जो इकोनॉमी थी इंडिया की, वो चाइना के डिपेंडेंट होती गई किन्हीं वजहों से, वो पॉलिटिकल वजह हैं, उन पे पर अपने अभी जाने का मुकाम नहीं है, लेकिन उन वजहों से इंडिया की इकोनॉमी की जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ गई, उसका एक लॉजिक ये दिया गया कि साहब यदि चाइना में हम इन्वेस्टेड रहेंगे, हमारी चाइना से इंपोर्ट्स बढ़ेंगी, हमारी चाइना से ट्रेड बढ़ेगी, तो हम चाइना पे लीवरेज एक्सरसाइज कर पाएंगे। ये एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग थी यहाँ की। लेकिन जो लोग भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को जानते हैं, और 2013 के बाद से जब से शी जिनपिंग आए हैं और उनका जो बिहेवियर है वो देखा जा रहा है, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि उनका जो बिहेवियर है वो पूरी तरह से जो एक अजीब तरह का मिक्स है, जिसमें कन्फ्यूशनिज्म भी शामिल है, मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं वो शामिल है, उसके बाद उसमें एक कम्युनिस्ट पार्टी का जो एक अलग तरह का जो ह्यूब्रिस होता है, एक अहंकार होता है, एक अलग तरह की वो चीज़ होती है, वो शामिल है, और साथ ही एक अथॉरिटेरियन कैपिटलिज्म का एक जो नया मॉडल चीन ने विकसित किया है पिछले 30 वर्षों में, और जिसकी वजह से उनको बहुत मजबूती मिल गई, उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई, उनके जो रिजर्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, इन सबको लेके एक अजीब तरह का माहौल
एक नया अथॉरिटेरियन माहौल, इसका जो कोई अगर हम कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन हिटलर से ही हो सकता है, उसके अलावा मुझे को तो कोई और ऐसा मॉडल दिखता नहीं है। हालांकि हिटलर के टाइम पे जो उनकी इकोनॉमी की स्थिति थी तो वो जैसी थी, लेकिन उस कमज़ोर इकोनॉमी का उसने फ़ायदा उठाया और लोगों में वो आपके विक्टिमहुड विकसित करके और उनको प्रवोक किया, जिससे उसको किसी ने अपोज नहीं किया और पूरी दुनिया जो थी वो उसको अपीज करने में लगी रही। बेसिक चीज़ ये जो है, मैंने पिछली बार भी शायद आपसे कहा था एक किसी गुफ्तगू में कि हमारे यहाँ जब वो पार्टीशन की बात हो रही थी तो डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि अपीजमेंट और सेटलमेंट में बड़ा फर्क होता है। तो यहाँ भी ये समझने वाली बात है कि भारत में भी, और सिर्फ भारत को ही क्यों गए, पूरी दुनिया को ही ले लें, ट्रंप से पहले चाहे वो यूएसए हो या आपके यूरोपियन यूनियन हो, जो कोई भी है, वो सब चाइनीज सेंसिबिलिटीज को किसी तरह से कोई उनको धक्का आने लगे, किसी तरह से उनको बुरा आने लगे, बस इसी में लगे रहे हर वक्त। वो तो अभी भी लगे हुए हैं, अपीजमेंट की अभी भी चल रही है पॉलिसी। बिल्कुल, और हिंदुस्तान में ये अपीजमेंट की पॉलिसी चली, हिंदुस्तान में अपीजमेंट की पॉलिसी चली करीब 10-12 साल चली, और मोदी जी के आने के बाद भी उन्होंने कोशिश ये की कि भाई ठीक है जो चल रहा है उसको हम थोड़ा एक एक डायरेक्शन दें, एक नज़रिया थोड़ा सा करें और इनसे बातचीत करके शायद इनसे दोस्ती बढ़ा के और एक बराबरी की हैसियत पे हम आपस में बातचीत कर सकते हैं, हम आपस में ट्रेड कर सकते हैं, एक बराबरी के नज़रिए से कर सकते हैं। लेकिन वो होना नहीं था, वो होना इसलिए नहीं था क्योंकि ये जो मैंने आपको ये बताई, ये जो तीन कॉम्बिनेशन है, कन्फ्यूजनिज्म, कॉम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, ये जो थ्री सीज हैं, इनको मैं थ्री सीज बोलता हूँ, चाइना इट्सेल्फ इज सी और उसके ये तीन सीज हैं, तो ये जो थ्री सीज का जो इनका कॉम्बिनेशन है वो सिर्फ एक ही रास्ता जानता है और वो रास्ता ये है एक्सपैंड एक्सपैंड एक्सपैंड। ये मर्केंटलिस्ट है, ये कॉम्युनिस्ट है, ये मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है और इसको ये लगता है कि साहब कि सब हमारी धौंस में आ जाएंगे और सब हमें एक सुपर पावर बनना है। वो जो सुपर पावर बनने का जो नरेटिव है वो उनकी जो एंशंट विजडम, जो कन्फ्यूशनिज्म जिसकी बात करता हूँ, कन्फ्यूशस की जो फिलोसफी है, वही बार बार मैं दोहराता हूँ, वही मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स। लोग आपके व्यूअर्स अगर नहीं जानते हो मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स तो मैं बता दूं मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स क्या है। मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स ये कहता है कि चाइना जो है वो एक डिवाइन स्टेट है। आप ये देखिए कुछ कुछ ये जो आपकी मसीही जो फिलॉसफीज हैं उनसे ये मिलता जुलता है कि ये एक डिवाइन स्टेट है और जो चाइना का जो एम्परर होता है वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव होता है और उसके साथ में जितनी भी और दुनिया है उसको उसके सामने झुक के रहना पड़ता है और उनकी जो रिलेशनशिप होती है वो एक सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप होती है चाइना के साथ में। उसका नाम ही जोंगुओ है, जोंगुओ का मतलब मैंडरिन में होता है मिडिल किंगडम। तो मिडिल किंगडम का मतलब दैट इज एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, ये यूनिवर्स के पूरे या दुनिया के सेंटर में वो है और बाकी सब उससे एक ग्रेडेड रिलेशनशिप में है। ग्रेडेड रिलेशनशिप हायरार्की है और हायरार्की में सब उससे नीचे है। सो एवरीवन हैज टू, वो आपने सुना होगा काओटाओ, तो एवरीवन हैज टू काओटाओ टू द एम्परर। और एक सेंट्रलाइजिंग फिलोसफी बन गई ये आपके, ये समझ लीजिए कि 200-300 वर्ष ईसा पूर्व BCE में इनके खूब आपस में जो झगड़े हुए उनसे एक सेंट्रलाइजिंग फिलॉसफी बनी। वो आपने सुनजू का नाम सुना होगा, जो आर्ट ऑफ वॉर जिसने लिखी, वो उसी तरह के झगड़ों से निकल के आई और उसमें ये हो गया कि साहब कि बीजिंग जो है, जिसको पहले पीकिंग कहते थे, दैट इज द सेंटर ऑफ दैट मिडिल किंगडम, दैट इज द सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। इसलिए जितनी भी आपकी अलग अलग डायनेस्टीज वहां पे आई, आपने देखा होगा वहां पे मंगोलियंस ने राज किया, वहाँ पे जो आपके सेंट्रल चाइनीज थे उन्होंने राज किया, मंचूरियन ने राज किया और अब कम्युनिस्ट राज कर रहे हैं, किसी ने अपनी राजधानी
बीजिंग से नहीं हटाई। बीजिंग का एक अपना अलग तरह का सिंबोलिज्म है, वो सारे के सारे वो बीजिंग में रह के वो सेंट्रलाइजिंग जो टेंडेंसी जो कन्फ्यूशियस के थॉट से आई हुई है उसके हिसाब से वो पूरी एक्सरसाइज हमेशा उन्होंने की। देखिए संजय भाई, आप ये जो बात कर रहे हैं वो जो मिडिल किंगडम की बात है और कन्फ्यूशियस्ट जो आइडियोलॉजी है उसकी जो बात है कि सारी दुनिया उनके इर्द गिर्द घूमेगी, लेकिन हमने तो ये समझा था कि जब कम्युनिज्म वहाँ पे राज किया कम्युनिज्म ने, और हमने ये समझा था कि ये सारी कल्ट आइडियोलॉजी, ये सारी सो कॉल्ड रिलीजियस आइडियोलॉजी तो इन्होंने ख़त्म कर दी हैं, अब तो ये चलेंगे रैशनैलिटी की बेस पर। तो क्या आपको लगता है कि कम्युनिज्म, खैर कोई रैशनैलिटी की बात तो नहीं है, लेकिन कम्युनिज्म चलिए इट्सेल्फ एक एंटी कल्ट तो आइडियोलॉजी होता है, ये अपने तौर पर एक कल्ट बन जाता है, ये एक अलग मसला है, लेकिन वो जो पुरानी एंशियंट इनकी कन्फ्यूशियस थी उनके साथ ये क्लैश किया कभी कम्युनिज्म, या ये एक साथ हैंड इन हैंड ही चलते रहे, इस पे थोड़ी सी बात कीजिए फिर हम असल मुद्दे पर आएंगे। बिल्कुल, आप ये देखिए कि शुरू में जब अगर अपन बात करें 1930s और 40s की, जब नेशनलिस्ट का और इनका कम्युनिस्ट का झगड़ा चल रहा था, उस वक्त जो इनकी प्रेरणा थी, इनकी जो इंस्पिरेशन थी वो सोवियत यूनियन थी। लेकिन एक बार जब इन्होंने राज अपना कायम कर लिया और नेशनलिस्ट को भगा दिया और वो बेचारे जाके ताइवान में समेट के रह गए, उसके बाद इन्होंने एक अपनी आइडियोलॉजी को मॉस्को से अलग करना शुरू किया। आप माओ की राइटिंग्स पढ़ लें और माओ की राइटिंग्स में उसने ये पूरी कोशिश की कि वो धीरे धीरे अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी बनाए जो सोवियत यूनियन का मॉडल है उससे अलग, और इसी को लेके बाद में उनके और सोवियत यूनियन के डिफरेंसेस हुए, आपको पता ही है। उसके लिए फिर बाद में इससे आपके जो एंशंट सिविलाइजेशन, चाइना बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, उस एंशंट सिविलाइजेशन का उपयोग किया। और हालांकि इन्होंने पहले तो कल्चरल रेवोल्यूशन और पता नहीं क्या क्या करके उसका बिल्कुल खात्मा करने की भी कोशिश की, उसमें वो सफल नहीं हुए, और अल्टीमेटली उन्होंने उससे रिकनसाइल किया, और रिकनसाइल करके ये एक नया मिक्सचर आपके जब डेंग शियाओपिंग का राज आया तो ये पूरा का पूरा एक नया एक प्रैक्टिकल टाइप का एक कॉम्युनिज्म, जो तीन चीज़ों का जो मैंने बताया जो थ्री सीज का कॉम्बिनेशन है, ये डेवलप हुआ। और इसने आपको बहुत ही कॉन्शियसली मॉस्को से अपने को अलग किया। और मॉस्को से जो अलग करने का प्रोसेस था वो आप 50s में ही शुरू हो गया था, मतलब इनके डिफरेंसेस जो थे वो 50s में ही आने शुरू हो गए थे, जब माओ ने कई बार सोवियत यूनियन की बात माननी बंद कर दी थी। तो वो शुरुआत वहाँ से होती है और अब उसका कल्बिनेशन जो है वो अलग तरह से हो रहा है। अब ये एक अजीब तरह का कॉम्बिनेशन हो गया है। इन्होंने कई चीज़ें सीखी। सोवियत यूनियन का जो कोलैप्स हुआ उससे चाइना ने बहुत सारे प्रैक्टिकल लेसन्स ड्रॉ किए, और उसी प्रैक्टिकल लेसन्स में कुछ चीज़ें ऐसी की जिसकी वजह से कम्युनिज्म एक तरह से जो एज अ फिलोसफी कम्युनिज्म ख़त्म हो गया। देखिए कम्युनिज्म अपने आप को रैशनल कहता है, हालांकि उसमें रैशनल कुछ भी नहीं है, आप भी जानते हैं, आप भी डील करते हैं उससे रोज़, वो रैशनैलिटी का सिर्फ मुलम्मा ओढ़ते हैं, बाकी उसमें कुछ कोई रैशनैलिटी है नहीं। उस रैशनैलिटी के पीछे अल्टीमेटली वही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है। लेकिन फिर भी डेंग शियाओपिंग के आने के बाद में बहुत सारे प्रैक्टिकल उन्होंने बदलाव किए, और वो बदलाव में उसमें ये भी था कि भाई इट डज नॉट मैटर वेदर द कैट इज वाइट और ब्लैक एज लॉन्ग एज इट कैचेस माइस, ये डेंग शियाओपिंग ने कहा। डेंग शियाओपिंग ने फिर एक चीज़ ऐसी कही जिससे पूरा का पूरा जो कम्युनिज्म वर्ल्ड था वो हिल गया। उसने कहा कि इट इज ग्लोरियस टू बी रिच। अब जरा कल्पना कीजिए जी, एक कम्युनिस्ट कह रहा है कि इट इज ग्लोरियस टू बी रिच, तो उसके तुरंत बाद आपका 5-7 साल में सोवियत यूनियन कोलैप्स कर जाता है। तो ये सब होने के बाद में एक्चुअली तो कम्युनिज्म डाइड, और तभी आपके फुकुयामा वगैरह ने
एंड ऑफ सिविलाइजेशन और पता नहीं क्या क्या बातें करनी, हिस्ट्री लिखी उन्होंने बुक, एंड ऑफ द हिस्ट्री उन्होंने करनी, या क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हंटिंगटन सैमुअल ने लिखी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। अच्छा, अब हम बात करते हैं डायरेक्ट जो इस वक्त की ग्राउंड रियलिटी है। 59 जो बड़ी ऐप्स थी भारत में बैन कर दी गई, अवाम का गुस्सा, जनता का गुस्सा जो है चाइना के इस हरकत पे सामने आता है। गुड्स को ना बेचने की बात की जाती है, पुतले जलाए जा रहे हैं। तो इन फैक्ट आपको भारत, जैसा मैंने शुरू में कहा था, सिर्फ भारतीय सरकार नहीं, भारतीय सरकार के साथ साथ भारतीय जनता कितनी प्रिपेयर नज़र आती हैं चाइना के इस थ्रेट को डील करने में? देखिए, ये जो ऐप्स जिनको बैन किया गया है, ये तो एक मैसेज है। इनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी के लिए भी क्रिटिकल हो, क्योंकि इन सब ऐप्स के अल्टरनेटिव ऐप्स मौजूद हैं। यदि नहीं है तो 2-4 महीने में बन के तैयार हो जाएंगे। ये कोई क्रिटिकल टेक्नोलॉजी नहीं है। इससे भी ज़्यादा जो अहम बात है, जो मैं मानता हूँ, कि ये चाइना को पहली बार, मुझे तो याद नहीं कि पिछले 40-50 साल में ऐसा कभी हुआ हो कि इतना तगड़ा डायरेक्ट थप्पड़ किसी ने चाइना को झन्नाटे से मुंह पे मारा हो। पिछले 40-50 साल में मुझे तो याद नहीं पड़ता, यू कैन करेक्ट मी, कि इतना डायरेक्ट किसी ने चैलेंज किया हो। या आप, चाइना ही हमेशा दूसरों के ऊपर अटैक करता रहा, ये सब जानते हैं। यूएस भी जब चाइना से डील करता था तो पता नहीं कितने कितने सेंसिटिविटीज को ध्यान में रख के करता था। आफ्टर ऑल पूरी दुनिया ने इनके वन चाइना प्रिंसिपल को रिकग्नाइज कर दिया, जिसका कोई बेसिस नहीं है। व्हाट डू मीन बाय वन चाइना? आप तो चाइना थे ही नहीं, नेशनलिस्ट पार्टी थी जब तक 72 तक किसिंजर ने इनके साथ में समझौता नहीं किया था, तब तक तो ताइवान ही रिप्रेजेंट करता था चाइना को। ये हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह ये लोग थे, यही कहते रहते थे कि भाई मेनलैंड को दिया जाए, हालांकि मेनलैंड ने कभी उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया, उल्टे 1962 में वॉर और थोप दिया आपके ऊपर। तो इस तरह की सिचुएशन में मैं ये मानता हूं कि ये जो बैनिंग दी एप्स है, ये एक सिग्नल है वेस्ट को, ये वेस्ट को सिग्नल है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है चाइना में, ये पेपर टाइगर है, इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। गलवान वैली के इंसिडेंट सबको पता है, ये कितना भी छुपाने की कोशिश करें, वहाँ पे 20 हिंदुस्तानी ज़रूर मरे, लेकिन उन्होंने 500 चीनियों को मारा भी है, और उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो बता सकें कि भाई हमारे कितने मरे हैं। और अब तो लगभग बिल्कुल क्लियर है, क्लैरिटी आ गई है कि किस तरह से हुआ। मैंने एक अभिजीत अय्यर मित्रा के साथ में वीडियो किया हुआ है जयपुर डायलॉग्स पे, उसको अगर लोग देख लेंगे, 1.5 घंटे का वीडियो है, उसमें पूरी जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल साफ पता चलती है किस तरह से। तो मतलब कोई जो अगर ये कहें कि साहब कि भारतीयों ने सिर्फ सेल्फ डिफेंस में किया, ऐसा भी नहीं, उन्होंने जो कुछ हरकतें की उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। अब मेरी भी लिमिटेशंस हैं, मैं इतना साफ नहीं कह सकता, आखिरकार मैं सरकार के लिए काम करता हूं, लेकिन ये स्पष्ट है कि जिनको कहते हैं, हम जानते हैं अपने हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, कि मुंह तोड़ जवाब का मतलब क्या होता है, वो मुंह तोड़ जवाब उनको दिया गया। तो देखिए, मुंह तोड़ वहां पे तो जवाब दे दिया, और जनता भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है जी। लेकिन प्लस ये मैसेज, ये जो एप्स है ना जी, दिस इज अ मैसेज, बिल्कुल समझ रहे हैं, इसकी जो वैल्यू है ना, ये मैसेजिंग की वैल्यू है। ये देखिए, आजकल नैरेटिव का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो इसमें यही जवाब है। तो क्या आपको ये जो इस वक्त की एस्केलेटिंग टेंशन्स हैं बिटवीन चाइना एंड भारत, यहाँ तक ही नजर आती है या बात कहीं बहुत आगे तक जाती नजर आती है? देखिए, इसमें एक और चीज अपने जाए तो हमारी जो एंशंट इंडियन विजडम है उसकी बात करें तो वो ये कहती है, और कई वेस्टर्न फिलोसफर्स ने भी ये कहा है, कि अनलेस यू आर प्रिपेयर्ड फॉर वॉर देयर कैन बी नो पीस। अगर आप युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर आप शांति भूल जाएं। हाँ, वही महाभारत का मैसेज है, बड़ा क्लियर है। बिल्कुल 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 क्लियर है, ये भगवान कृष्ण का मैसेज है। बिल्कुल ठीक।
कि यद्यपि हम साम में विश्वास करते हैं, साम दाम दंड भेद की जो बात है उसमें सबसे पहले साम रिकंसिलिएशन, इसका रिकंसिलिएशन अल्योरमेंट आपका चेस्टाइजमेंट एंड सबवर्शन, ये चार नीतियां बताई गई। तो इसमें सबसे पहले रिकंसिलिएशन है। अब रिकंसिलिएशन काम नहीं करता है तो देन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर चेस्टाइजमेंट। मान लीजिए आप रिकंसिलिएशन कर रहे हैं, सामने वाले को पता है कि आपकी कैपेसिटी नहीं है चेस्टाइज करने की, आप दंड नहीं दे सकते, तो वो क्या मानेगा? ये तो वो वाली बात होगी जैसे गांधी जी और जिन्ना की आपस में जो मेल मुलाकात हो रही थी उसमें जिन्ना को पता था कि ये कुछ नहीं करेंगे तो वो अड़ा रहा अपनी बात पे। अगर उसको ये पता होता कि गांधी जी भी मजबूती से रिटेलिएट कर सकते हैं तो हो सकता है उसकी कोई दूसरी तरह की एटीट्यूड रहती। यहाँ पे भी यही बात है। तो इसलिए मैसेज ये दिया जा रहा कि भाई हम तैयार हैं। और ये बात भी सही है, अगर मिलिट्री प्रिपरेशंस की बात करें तो हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है। मैं आपको अर्ज करूँ कि जो लद्दाख का बॉर्डर है तो इस वक्त चाइना ने वहाँ पे कोई 30-35 हज़ार फौज जमा कर रखी है, तो हिंदुस्तान ने भी 40-45 हज़ार जमा कर रखी है। ये तो एक बात है। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान को थैंक्स टू पाकिस्तान लड़ाई का बहुत तजुर्बा है। ये लगातार हाई ऑल्टीट्यूड पे लड़ाई का आपके कश्मीर के पहाड़ों में सियाचिन में तो एक पोस्ट जो है वो 21,000 फुट पे है। अब ये 21,000 फुट क्या होता है ये चाइनीज ने तो किसी ने देखा भी नहीं होगा कि 21,000 फुट होता कैसा है। कोई उनका माउंटेनियरिंग वगैरह हमने सुना है कि उनके कोई आजकल मिक्स्ड मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट्स वगैरह आ रहे हैं और वो वहाँ आए और उनको रखा जा रहा है प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन बैरक्स में। अब ऑक्सीजन प्रेशराइज बैरक्स में जो फौज रहेगी वो बाहर आके कैसे लड़ेगी आप सोच सकते हैं। और हिंदुस्तानी फौज तो ये समझ लीजिए कि आधी से ज्यादा हिंदुस्तानी फौज जो है इन हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज का उसको एक्सपीरियंस है, अनुभव है, और वो लगातार वहाँ लड़ती रहती है क्योंकि LOC पे पाकिस्तान के साथ में वहाँ तो चप्पे चप्पे पे फौज है। मतलब कोई, मैं मानता हूँ कि कोई एक स्क्वायर मीटर एरिया भी ऐसा नहीं होगा जो डिफेंडेड नहीं होगा वहाँ पे। लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना के साथ में है वहाँ पे इस तरह की स्थिति नहीं है। लेकिन अगर उस स्थिति आने की नौबत हुई तो मैं आपको ये अश्योर कर सकता हूँ कि इंडिया इज इन अ बेटर पोजीशन टू डू इट। वो तो बिल्कुल ठीक है कि हमें ये बात नज़र आती है कि भारत के नौजवानों में, भारत की आर्मी में कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं। आज ही हमने एक और रिपोर्ट देखी जिसमें फ्रांस ने भी कहा कि वो अपने जो तैयारे हैं वो अब 4 की बजाय 6/27 जुलाई को भारत के सपोर्ट कर देगा। रशिया ने भी कहा कि वो जो भारत के साथ उनके एग्रीमेंट्स हैं आर्म्स और एम्यूनेशन की वो भी देंगे। अमेरिका ने भी कह दिया कि वो भी पूरा साथ देंगे, और इज़राइल ने भी कह दिया कि जो डिफेंस सिस्टम है वो भी हम जल्दी दे देंगे। और उधर ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का सरकारी अखबार है उसका ये क्लेम है कि भारत जो है वो ऐसे ही अमेरिका के उकसाने पर हमारे साथ आ रहा है, अमेरिका ने तो साथ भी नहीं देना। भारत अपने तौर पर, संजय भाई, मुकम्मल तौर पर तैयार है कोई उसका साथ दे या ना दे? भारत की अपनी कैपेबिलिटीज बहुत स्ट्रांग हैं, वो 62 का ज़माना नहीं, ना भारत में वो लीडरशिप है अब 62 वाली, और ना भारत में प्रेपरेशन की जो लेवल है वो उससे बहुत आगे है। लेकिन मैं इसी तरफ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि प्रेपरेशन का ये जो मॉडर्न लेवल है, स्पिरिट अपनी जगह पे, टेक्नोलॉजी पे, नरेटिव पे भारत जो जवाब दे रहा है वो अपनी जगह पे, मगर जो जो एलाय कंट्री हैं वो भी बात खुल के कर रहे हैं, तो कितनी प्रेपरेशन उस लेवल पे है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लेवल? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं इसमें कि चाइना की अगर आप पूरी हिस्ट्री देख ले तो वो आज तक अपने से बराबर किसी फौज के साथ लड़ा नहीं है। मैं कम्युनिस्ट चाइना की बात कर रहा हूं, और
1962 में भी उसको एक तरह से वॉकओवर दे दिया गया है। वॉकओवर इसलिए दे दिया गया क्योंकि उस वक्त की जो लीडरशिप थी उसने, आर्मी तो खैर इल प्रिपेयर्ड थी ही, 10 साल से उसका मॉडर्नाइजेशन नहीं किया गया, लेकिन इंडियन एयरफोर्स उस वक्त चाइना के मुकाबले में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन इन्होंने इंडियन एयरफोर्स का उपयोग ही नहीं किया, उसको यूज़ ही नहीं किया। आप ये देखिए उस वक्त चाइना की तो ये हालत थी कि तिब्बत में, पूरे तिब्बत में उनके पास सिर्फ एक एयरबेस था लासा, उसके अलावा कोई दूसरी जगह नहीं थी जहां से वो कोई तैयारे उड़ा सकते थे, जबकि हिंदुस्तान के पास इनको घेरने के लिए कम से कम 10 बेस उस वक्त भी मौजूद थे, और इनके तैयारे जो हैं वो 4000 फीट की जो ऑल्टीट्यूड है उसके ऊपर की जो ऊंचाई से जब उड़ते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, उसमें ऑक्सीजन की कमी है वहां पे। तो ऑक्सीजन की कमी सिर्फ ह्यूमन बीइंग को नहीं होती, इंसान को ही नहीं होती, ऑक्सीजन की कमी एयरक्राफ्ट्स को, इंजन्स को, टैंक्स चलते हैं उनको, सभी को होती है। तो उनको उस हिसाब से तैयार करना पड़ता है, चाइना के पास कुछ नहीं था। अगर इन्होंने एयरफोर्स 1962 में यूज कर ली होती तो चाइना उसी वक्त मौकी खाता। अब आज की बात कर लेते जी, आज की बात अगर हम करें तो जब लोग चाइना के और इंडिया का कंपैरिजन करते हैं तो वो टोटल नंबर उसके हिसाब से कंपैरिजन करते हैं, कहते साहब उनके पास तो 3000 एयरक्राफ्ट है, इंडिया के पास तो कोई 1300-1400 ही है। अब जो 3000 की बात करते हैं तो 3000 में हर तरह का एयरक्राफ्ट शामिल है, जिसमें ट्रांसपोर्ट भी शामिल है, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और तरह तरह के जो होते हैं वो सब शामिल है। अपने अगर फाइटर बॉम्बर्स और इनके ये जो इनकी बात करें तो आप ये समझिए कि हिंदुस्तान का नंबर लगभग 600 है और चाइना का लगभग 1300 है। तो इसको देख के ऐसा लगता है कि साहब का चाइना तो बहुत सुपीरियर है इंडिया से, इंडिया से डबल उसके पास फाइटर्स की स्ट्रेंथ है। लेकिन अब इसको आप एग्जामिन कीजिए जो थिएटर है जहां पे लड़ाई होनी है उसके लिहाज से। लड़ाई कहाँ होनी है? लड़ाई होनी है लद्दाख, तिब्बत, शिंकियांग, ये एयर थिएटर है। इस एयर थिएटर में यदि लड़ाई होती है तो चाइना की क्या कैपेबिलिटीज है, इसको अब थोड़ा सा इवेल्युएट कर लेते। आप ये देखिए कि इस पूरे थिएटर में चाइना के पास सिर्फ 7 एयरबेस हैं, जिनमें से तिब्बत में 4 हैं, उन 4 में से 3 छोटे छोटे एयरबेस हैं, सिर्फ एक लासा ऐसा एयरबेस है जो बड़ा है। और ये जो तिब्बत के जो चारों एयरबेस हैं ये 4000 फीट से तो 4000 मीटर के ऊपर की ऊंचाई के हैं, जहां पे जो भी एयरक्राफ्ट आएगा वो आधे फ्यूल और आधे वेपन लोड के हिसाब से चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चल सकता। फिर होतान, यारकन और काशगर, ये 3 बेसिस शिंकियांग के, ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जो लद्दाख के 700-800 किलोमीटर की रेंज में है। बल्कि वैसे तो आप देखें कि ये लासा और नींगची एक बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट के जस्ट ऊपर, वहां पे आपके टूटिंग के ऊपर है, वो भी लगभग 2000 किलोमीटर पड़ जाता है लद्दाख से। लासा खुद भी 1500 किलोमीटर है। इसके मुकाबले आप जरा हिंदुस्तान के एयरबेस देख ले, मैं तो अभी गिना रहा था कल लोगों को, लोग हैरान रह गए कि 600 किलोमीटर की रेडियस में, लेह की 600 किलोमीटर की रेडियस में हिंदुस्तान के 15 एयरबेसेस हैं, जिसमें से एक हाई ऑल्टीट्यूड है लेह, 2 मीडियम ऑल्टीट्यूड है श्रीनगर और अवंतीपुरा, लेकिन वहां चूंकि खूब हरियाली है वहां ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं, तो दे कैन ऑपरेट लाइक अ लो एलिवेशन एयरफील्ड। उसके अलावा आप उधर से चालू होइए जम्मू, फिर पठानकोट, फिर अमृतसर, फिर जलंधर के पास आदमपुर, लुधियाना के पास हलवाड़ा, फिर अंबाला जहां पे रफाल आने वाला है, चंडीगढ़, फिर उधर सहारनपुर में सरसावा, थोड़ा इधर नीचे आइए बठिंडा, बठिंडा के जस्ट नीचे सूरतगढ़, उसके बाद इधर आइए आप हिंडन दिल्ली का, फिर बरेली। ये सारे के सारे जो है लेह के 600 किलोमीटर के रेडियस में 15 है ये, और इनके जस्ट आउटसाइड आगरा, ग्वालियर, लखनऊ 3 और।
और ये सारे बड़े बेसेस हैं, सारे जितने भी एयरक्राफ्ट इंडिया के हैं उनके फुल वेपन लोड और फुल रेंज पे ये चल सकते हैं। तो इस हिसाब से जब हम कैलकुलेट करने बैठते हैं कि भाई चाइना कितने थ्रो कर सकता है, तो वो नंबर ऑप्टिमम से जो ऑप्टिमम नंबर आता है चाइना का वो है 162 एयरक्राफ्ट्स चाइना कैन थ्रो अगेंस्ट इंडिया आउट ऑफ दीज बेसिस। बाकी सारे बेसिस जो आउट ऑफ रेंज है, टैंकर रिफ्यूलिंग होगी, वो सब होगा, वो आएंगे, वो तो तब तक एवॉक्स वगैरह उनको पकड़ लेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उनका जो स्टेल्थ फाइटर जिसको बोलते हैं जे ट्वेंटी का तिब्बत में, शिंकियांग में, आपके इनर मंगोलिया में, इन सब जगह पे कोई किसी तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ से तो उड़ ही नहीं सकता। वो जो नियरेस्ट प्लेस है जहाँ से वो उड़ सकता है वो है चेंगडू। अब चेंगडू कोई 3,000-3,500 किलोमीटर है, और एक रीफ्यूलिंग के बाद भी जो रेंज है जे ट्वेंटी की वो 2,800 किलोमीटर है, वो क्या कर लेगा? उसके जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो भी डाउट में है, क्योंकि चाइना की क्लेम है साहब, चाइना की क्लेम आप जानते हो किस तरह की होती है। चाइना ने क्लेम कर रखा है कि साहब हमारे पास बड़ा भारी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, लेकिन जो वेस्टर्न मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि नहीं, इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी बहुत ही सस्पेक्ट है, और इवन रफाल हैज़ बेटर स्टेल्थ कैपेबिलिटीज। रफाल तो दुनिया का जाना माना प्लेन है, सब जानते हैं रफाल के बारे में, कोई वो चीज़ छुपाते तो है नहीं, दे आर ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होना उनके लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि दे आर इन कॉम्पिटिशन, ये चाइना की तरह वो क्लाइंट स्टेट्स को तो बेचते ही नहीं है। उन्होंने एक वो थर्ड क्लास बेच दिया आपके, जो खुद ने इस्तेमाल नहीं किया, J-17, दे फाउंड इट वॉज नॉट गुड इनफ फॉर देयर ओन यूज़, तो उन्होंने पाकिस्तान को टिका दिया। अब पाकिस्तान उनका रिजेक्टेड माल J-17 यूज़ कर रहा है, खुद नहीं यूज़ करते J-17, चाइनीज एयरफोर्स खुद J-17 यूज़ नहीं करती, वो उन्होंने चाइना को पाम ऑफ, पाकिस्तान को पाम ऑफ कर दिया। फिर आइए इनकी जो अब बाकी बचे, मैंने आपको J-20 बता दिया, J-20 वहाँ ऑपरेट ही नहीं कर सकता, इट इज आउट ऑफ पिक्चर। J-20 डिजाइंड ही ईस्टर्न थिएटर या आपके US के जो ताइवान, कोरिया, जापान इस तरफ के लिए ही डिजाइंड है, वो तिब्बत थिएटर में वो ऑपरेट नहीं कर सकता। बाकी कौन से बचे? बाकी जो भी इनके एयरक्राफ्ट हैं, Sukhoi-27 है, J-7 है, J-10 है, ये जितने भी एयरक्राफ्ट हैं वो इंडिया के Sukhoi-30 MKI, Mirage-2000, अब रफाल भी आने वाला है, उनसे सबसे इन्फीरियर है। और अभी तो वो MiG-21 ने F-16 को गिरा दिया, तो वो MiG-21 बाइसन जब अपग्रेड हुआ है तो उसकी कैपेबिलिटी भी बहुत एनहांस्ड है। तो और जो इन बेसिस पे जो इंडिया जो थ्रो कर सकता है नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट, दैट इज मोर देन 250। और इनके जो 150 हैं उनकी एक्चुअल जो निकाली जाए तो वो 80-90 से ज्यादा नहीं बैठती, क्योंकि वो हाफ वेपन लोड है, हाफ रेंज है। तो मेरा तो इनफैक्ट मैं एम जस्ट राइटिंग एन आर्टिकल, अभी आपके ये जो ये खत्म होगा उसके बाद मैं उसको पूरा करके भी पोस्ट करूंगा। आई एम सेइंग दैट द चाइनीज एयरफोर्स द PLA-AF इज अ सिटिंग डक इन टिबट एंड लद्दाख अगेंस्ट द इंडियन एयरफोर्स। और ये जो नाटक करते हैं ना कि साहब हम स्कारदू यूज कर लेंगे, क्या स्कारदू यूज कर लोगे भाई? स्कारदू खुद हाई अल्टीट्यूड एयरपोर्ट है और लिमिटेड वहां पे बेसिंग फैसिलिटी है, तो दिखाने के लिए एक टैंकर उतार दिया भाई, टैंकर उतार के तुम क्या कर लोगे वहां पे? स्कारदू को यूज, अगर तुमको यूज करना है तो तुमको इधर आना पड़ेगा नीचे सियालकोट और आपके रावलपिंडी और इन सब एरिया के, आपको सरगोधा, ये एयर बेसिस यूज करोगे तब काम चल सकता है। अब इन एयर बेसिस पे आपके अमेरिकन एयरक्राफ्ट तैनात हैं, अमेरिकन पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को इजाजत देंगे क्या कि साहब उनके जो एवैक्स और उनके साथ में जो बीटा पो रखा है F-16 तो उड़ने ही नहीं देंगे, वो डिसेबल कर देंगे एक मिनट में। तो ये जो टू फ्रंट वॉर की बात है, ये सब एक बड़ी ही एक मैं कहूँ कि इमेजिनरी बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होना। चाइनीज एयरफोर्स जो है वो इंडियन एयरफोर्स के मुकाबले बहुत हल्की पड़ रही है, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स,
बट बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी, ज्योग्राफी वहां की इस तरह की है, इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना नहीं सकते क्योंकि वहां का लोकल जो है वो आपको उसको आप लेते नहीं। हान चाइनीज को आप लाते हैं वहां से, हान चाइनीज वहां रुकना नहीं चाहता क्योंकि द कंडीशंस आर सो डिफिकल्ट, सो सिवियर कि कोई भी उनको रोटेट करने पड़ते हैं लोग, इवन मेंटेनेंस और सपोर्ट स्टाफ जो है वो बाहर से लाना पड़ता है 5,000 किलोमीटर से और उनको रोटेट करना पड़ता है। इंडिया हैज नो सच लिमिटेशंस, उनके तो सारे के सारे एयरबेसेस प्लेन्स में। ये बड़ा अच्छा आपने सिनेरियो हमें बताया, इससे हमें अंदाजा होता है कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है। दूसरी तरफ ये बातचीत भी हमारे सामने आती है कि दोनों तरफ की आर्मी की जो हाई लेवल की टॉक्स हैं वो भी साथ साथ चल रही है। जैसा आपने कहा कि जब तक प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, जब तक स्ट्रेंथ नहीं दिखाएंगे, उस वक्त तक डायलॉग और नेगोशिएशन में भी स्ट्रेंथ नहीं आती। भारत को हर फ्रंट पे तैयार रहना है, तैयार रखना है अपने आप को। लेकिन जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं ना सिर्फ चाइना और भारत के बल्कि दुनिया भर के, ये कहते हैं कि हम एंटिसिपेट करते हैं कि ये जो टॉक्स हैं ये बहुत महीनों तक चलेंगी, फिर शायद कोई उसके बाद कोई नतीजा आए। क्या ऐसी ही सूरत हाल आप भी देखते हैं? मैं सोचता हूँ कि इस बात में दम है क्योंकि चाइना और इंडिया दोनों को पता है कि जंग होगी तो उसके क्या नतायज होंगे। जंग के नतायज चाइना भी जानता है, चाइना जानता है कि अगर इंडिया ने उसको मलक्का स्ट्रेट में चोक कर दिया तो फिर बात जो है वो उसके लिए न्यूक्लियर वॉर तक चली जाएगी। ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है चाइना का। जो सारा टैंकर है जो भी जाता है वो सब ईस्टर्न बोर्ड पे, ईस्टर्न सी बोर्ड पे जाता है उनके, और वो पास होता है हमारे जो अंडमान निकोबार है उसके बीच में एक डीप ड्राफ्ट चैनल है। क्योंकि ये जो बड़े बड़े वीएलसीसी जाते हैं, मैं तो चूंकि मरीनर रहा हूँ इसलिए मुझे पता है, तो ये जो डीप ड्राफ्ट जो आपके जो वीएलसीसी वगैरह जो जाते हैं ये 30 मीटर 35 मीटर ड्राफ्ट वाले होते हैं, तो हर चैनल में ये नहीं जा सकते, ये देर आर पर्टिकुलर चैनल्स जो इनके लिए डिजाइन है। तो वहाँ एक वो 10 डिग्री चैनल है जो 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, उसको 10 डिग्री चैनल बोलते हैं, वो जो अंडमान निकोबार आइलैंड में अंडमान और निकोबार के बीच में पड़ती है। अगर इंडिया 10 डिग्री चैनल को ब्लॉक कर देती है तो आप सोचिए चाइना के लिए क्या हालात बनेंगे। लेकिन दैट इज अ रेड लाइन क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैटर्स में दिस इज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन, दिस इज नॉट अ टैक्टिकल डिसीजन, दिस इज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। लाइक अगर मान लीजिए कराची को ब्लॉकेड करना हो तो दैट इज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्योंकि दैट इज क्रॉसिंग द रेड लाइन, जिसके बाद में फिर न्यूक्लियर वॉर का खतरा आ जाता है। लेकिन दैट सिनेरियो इज देयर, यू मे क्रॉस द रेड लाइन, यू मे नॉट क्रॉस द रेड लाइन, यू मे नॉट क्रॉस द रेड लाइन, बट देन you have to keep telling them ki look this is the red line that we could cross if you do not behave, if you're not reasonable then we also have a full right to be completely unreasonable and we have the full right to cross that red line. So your naval situation hai wo inka weakest point hai kyunki usme jo hai fir US, Australia, Japan, India ये चारों मिलके इनको घेरेंगे। और मुझे ये पता है क्योंकि तो मेरे डिस्कशंस होते रहते हैं लोगों से, मुझे ये पता है कि चाइना कुछ भी करेगा वो चीज़ को इस लेवल तक नहीं ले जाएगा जिसमें चारों नेवी मिलके और इसको साउथ चाइना सी में और मलक्का स्ट्रेट्स में घेर लें। क्योंकि तो वो अगर सिचुएशन होती है तो थर्ड वर्ल्ड वॉर है और थर्ड वर्ल्ड वॉर में आप जानते हैं क्या होगा, सभी के पास न्यूक्लियर आर्सेनल्स। अगर चाइना किसी के ऊपर चलाएगा तो इंडिया के पास भी है, यूएस भी चुप नहीं बैठा रहेगा, सबके पास न्यूक्लियर आर्सेनल्स है। तो चाइना इफ इट वांट्स टू लुक एट आर्मेगेडन काइंड ऑफ फाइनल डे आखिरत टाइप का कुछ सिनेरियो बनाना चाहता है तो बात अलग है। जो मुझे नहीं लगता कि जो
चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं वही होने देंगे, उससे पहले वो शी जिनपिंग को निकाल फेंकेंगे। इसका एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो ये जो मैसेज दिया गया है, जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड इंडिया ने किया है चाइना का, कि चाइना की जितनी भी कंपनियां हैं वो दो तरह की कंपनियां हैं, ये समझने वाली बात है। इसमें से कोई आप इक्का दुक्का छोड़ दीजिए तो सिर्फ दो तरह की कंपनियां हैं, एक तो जो डायरेक्ट स्टेट ओन्ड कंपनी है, वो प्राइवेट कंपनी जो डायरेक्ट स्टेट ओन्ड है, जैसे हुआवेई हो गई या और किस तरह की होगी, और दूसरी तरह की कंपनीज वो हैं जिनमें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो एलीट्स हैं उनका पैसा लगा हुआ है। चाइनीज कैपिटलिज्म इज अ डायरेक्टेड कैपिटलिज्म, वो कोई फ्री कैपिटलिज्म नहीं है, वो डायरेक्टेड कैपिटलिज्म है। उस डायरेक्टेड कैपिटलिज्म में कुछ लोग जो वहां के जो रूल करते हैं वही उसको एक तरह से, जिसको बोलते हैं कि आप एलिटिज्म कह लीजिए या आपका क्रोनी कैपिटलिज्म कह लीजिए, इस तरह का सिनारियो है वहां पे। तो ये जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लोग अफेक्ट हो रहे हैं शी जिनपिंग की हरकतों से, इसका अंदरूनी असर क्या पड़ रहा है ये भी देखने की वजह है। बल्कि एनालिस्ट तो ये कह रहे हैं कि ये जो शी जिनपिंग जो है ये चारों तरफ तलवारें भांजता घूम रहा है, वो इसी वजह से तलवारें भांजता घूम रहा है क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो हैं वो इसको दबा रहे हैं, इसको प्रेशराइज कर रहे हैं, इससे की क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि तुम कर क्या रहे हो, कि तुम्हारे कोरोना वायरस की वजह से हम अलग थलग पड़ गए, हमारा इतने मजे से काम चल रहा था सब जगह हम कॉर्नर में आ गए। अब मैं आखिर में संजय भाई आता हूँ इस बात की तरफ, भारत में अपोजिशन की कुछ ऐसी आवाज़ें हैं जो जब हम सुनते हैं यहाँ कनाडा में अमेरिका में बैठकर, तो हमें एहसास होता है कि शायद उन आवाज़ों को समझ नहीं आती, वो अपनी राजनीति के चक्कर में हैं, जो चाइना के हवाले से ग्रेव कंसर्न्स होने चाहिए पूरे भारत के वो तो हैं, मगर उसमें जो अब वो पुरानी अपोजिशन की जो आवाज़ें हैं वो ये समिति एक हमने राज किया 50-55 बरस, हम शायद कोई भी राजनीति करें तो शायद हमारा राज वापस आ जाए, उसका कुछ चांस लगता नहीं इस इमेच्योरिटी के साथ, तो क्या वो आवाज़ें इम्पॉर्टेंट हैं? हमारे व्यूअर्स को भी ये बताइए। देखिए, अगर सारी ऑपोजिशन पार्टीज का सर्वे करें हम, तो 1.5 ऑपोजिशन पार्टीज जिनकी टोटल स्ट्रेंथ इंडियन पार्लियामेंट में 10% के आसपास है, उसको अगर आप छोड़ दें तो बाकी सारी ऑपोजिशन पार्टीज जो है इस वक्त सरकार के पीछे और प्राइम मिनिस्टर के पीछे खड़ी हुई हैं। यहाँ तक कि ममता बनर्जी जैसी एक शख्सियत जो हर छोटी छोटी चीज़ में भी रूलिंग पार्टी बीजेपी का और प्राइम मिनिस्टर का ऑपोजिशन करती रहती है, वो भी, उसको भी इतनी मैच्योरिटी है, उसको भी इतनी समझ है कि इस मैटर में प्राइम मिनिस्टर के पीछे खड़ी हुई है। मायावती जैसी लीडर जो हमेशा बीजेपी को क्रिटिसाइज करती है, वो भी इस मैटर में आपके प्राइम मिनिस्टर के पीछे खड़ी हुई है। शरद पवार का स्टेटमेंट अभी आपने 2-3 दिन पहले सुना होगा, और जितने भी ऑपोजिशन के लीडर हैं, जो मास लीडर्स हैं, जो समझते हैं, वो सब जानते हैं कि ये ऐसा वक्त है और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर नेशनलिज्म की बात ना भी करें तो अगर सिर्फ ये बात कर लें, प्रैक्टिकल बात कर लें, तो पॉलिटिकल विजडम भी यही कहती है कि साहब ये ऐसा वक्त है जिसमें किसी भी तरह के ना नुकुर करेंगे तो नुकसान में आएंगे। बहुत अच्छी आपने बात की, और हमें ये बात वाकई समझ आती है कि यही भारत की स्पिरिट है। अगर कोई बहुत ही इमेच्योर को थोड़े से एलिमेंट्स हैं पॉलिटिक्स में, तो वो फिर अपनी इमेच्योरिटी दिखाते हैं, होपफुली वो भी समझेंगे, और मेन स्ट्रीम धारे में दोनों युद्ध जो इस वक्त भारत लड़ रहा है, कोरोना वायरस का के खिलाफ भी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के एक्सपेंशनिज्म और बुलिंग के खिलाफ भी, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ संजय दीक्षित भाई, आपने हमें समय दिया
और आपकी जो एक्सपर्टीज़ है हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हम इस विषय पे आपको गाहे बगाहे अपने साथ जोड़ने की रिक्वेस्ट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत सुन रहे थे आप जयपुर राजस्थान से संजय डिक्सन साहब की। चाइना के हवाले से उन्होंने जो स्ट्रेटजीज हैं भारत की, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट्स पर हों, चाहे वो एयरफोर्स की फ्रंट पर हों, चाहे वो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को किसी भी हवाले से कर्टेल करने के हवाले से हो, और उनकी जो ग्राउंड रियलिटी है वो हमें आज बताई। आज का बिला तकल्लफ तजिया संजय दीक्षित भाई और ताहिर गोरा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।